बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी और ये बाहुबली दूसरा ऊंट है। It's very exciting to see, and so it's nice to see people enjoying themselves and competing, and so many cattle all together. It's very nice and interesting thing to see. मैदान में दौड़कर अपना शानदार प्रदर्शन दे रहे हैं कि वो कितना कंट्रोल में हैं, अपने मालिक के कितना इशारे को समझते हैं। ये देखिए, ये देखिए दौड़। हितेश ज्वेलर्स भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्रमार्ग के गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मौजूद हैं हम श्री रामदेव पशु मेला मैदान नागौर में, जहां पर आयोजित हो रहा है विश्व प्रसिद्ध नागौर पशु मेला, नागौर कैटल फेयर के नाम से। और इसमें बहुत सारे रंग मैं आपको दिखा रहा हूं, खासियत दिखा रहा हूं। हज़ारों की संख्या में यहाँ नागौरी बैल पहुँचे हुए हैं, वहीं हज़ारों की संख्या में ऊँट भी हैं, भैंसें भी हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हैं, बहुत कुछ है। और ये ऊँटों की प्रतियोगिताएं इस वक्त यहाँ पर चल रही है। ये है रिंग, और रिंग में मैदान में एक के बाद एक शानदार ऊँट, बीकानेरी, जैसलमेरी, सांचोरी ऊँट यहाँ पर मैदान में उतर रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे देखिए शावक ऊँट, जिन्हें अपनी मारवाड़ी भाषा में टोल्डियो कहते हैं, वो भी यहाँ पर देखिए मैदान में आए हैं। ऊँट अपने नृत्य से किस तरह से लोगों का मन मोह लेता है, एक शानदार कलाकार ऊँट को मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बारे में आपने पहले भी देखे हैं प्रोग्राम, और खूब अपने नृत्य के माध्यम से इसने दर्शकों का दिल जीता है। और ये देखिए मेरे पीछे जो प्रतियोगिता इस वक्त जो चल रही है, वो ऊँटों के जो सांड ऊँट होते हैं, नर ऊँट होते हैं, उनकी प्रतियोगिता चल रही है। उनकी नस्ल, उनकी हाइट, हर चीज़ को उसमें देखा जाता है। और ये देखिए जो बहुत सारे ऊँट इस प्रतियोगिता में आए थे, जो खास जो सेलेक्ट किया गया है निर्णायक मंडल के द्वारा, वो ऊँट अब रिंग में यहाँ पर मौजूद है। बाकी ऊँटों को ये देखिए इधर बाहर कर दिया गया है फर्स्ट राउंड में, और ये सेकंड राउंड है, और यही फाइनल राउंड है। और इस राउंड में जो है विनर ऊँट होंगे, और ये ऊँट को इनाम दिया जा रहा है, प्रोत्साहन इनाम दिया जा रहा है। और इसी तरह राजेंद्र सिंह जी के ऊँट को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। रफीक खान के ऊँट को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है, और जिनको भी खुदा पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। बीकानेर से यहाँ पर आए हैं ये। बहुत सारी पशु प्रतियोगिताएं यहाँ नागौर में आयोजित होती है। जालौर के सायला तहसील के जालौर के ऊँट को गुलाब खांजी को, जो कि तृतीय पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये देखिए सांचोरी ऊँट है, ये विशाल ऊँट। यह है सेकंड पुरस्कार बशीर खान जी को जा रहा है, जो बीकानेर से अपना ऊँट लेकर के आए हैं। बीकानेरी ऊँट है। यहाँ बीकानेर जिला नागौर, बहुत बहुत बधाई हो। इन्होंने सेकंड इनाम जीता है। इन्होंने बशीर खान जी के ऊँट को, और ये है विनर ऊँट। इस प्रतियोगिता का विनर, नागौर पशु मेले का विनर ऊँट, प्रथम इनाम जीतने वाला तिलोकराम जी के ऊँट को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि महरासी गांव के हैं, पर्वतसर तहसील के महरासी गांव के तिलोकराम जी, जिनके ऊँट को प्रथम पुरस्कार विनर ऊँट रहा है इस प्रतियोगिता का। नागौर के पशु मेला मैदान से आप ये ऊँटों की प्रतियोगिता देख रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में ऊँटों ने भाग लिया और जिसमें 2 राउंड में निर्णय किया गया। और ये जो 6 ऊँट हैं, ये 6 ही ऊँट हम कह सकते हैं कि विनर ऊँट हैं, जिनमें कड़ा कंपटीशन था और मामूली अंतराल के साथ ही जो है वो विनर रहे हैं। और विनर रहे हैं जो कि महरासी गाँव पर्वतसर तहसील के तिलोकराम जी हैं, वो 1 नंबर पर आए हैं। और तिलोकराम जी का ऊँट है ये, और इस ऊँट का क्या नाम है? ऊँट का नाम बाहुबली। बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, और ये बाहुबली दूसरा ऊँट है, और वो ये भी उतना ही बाहुबली है क्या? हाँ जी। इसने तो यहाँ पे तो साबित कर ही दिया बाहुबली अपना। हाँ, तो इस ऊँट के बारे में खासियत बताएंगे, ये कौन सी नस्ल है? ये बीकानेरी नस्ल है। बीकानेरी नस्ल का ऊँट है। तो ये ऊँट रखने का शौक आपका कब से है? मेरे दादा परदादा से ही चलता है। अच्छा, हमेशा पीढ़ियों से ही है ऊँट रखना, और खेती का काम करते हो। तो ऊँट से क्या काम लेते हो आप? ऊँट को सवारी में, खेती में, सब में काम लेते हैं। सवारी में भी और खेती में भी। हाँ। तो ये आपका ये विनर बनने का पहला अनुभव है, या पहले भी आपने कभी ये कंपटीशन जीते हैं? हमारे बहुत बार जीता है। बहुत बार जीता हुआ ऊँट, हर मेले में हमारा ऊँट फर्स्ट आता है। तो इस ऊँट की कोई स्पेशल खुराक होती है क्या? हाँ जी। क्या खुराक होती है? इसको दूध देते हैं, देसी ऊँट को दूध पिलाते हो? हाँ जी, देसी घी देते हैं। अच्छा। और तिल्ली का तेल है, मतलब अच्छा खुराक खिलाते हैं। लग रहा था कि आपका ऊँट जीतेगा? नहीं लग रहा था, लग नहीं रहा था, क्योंकि बराबर की टक्कर थी। हाँ, बराबर। फिर भी इसने मैदान मारा, तो अब खुश हैं? अब बहुत खुश हैं तिलोकराम जी, क्योंकि मैदान मार लिया है इनके ऊँट ने। नागौर का ये पशु मेला अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से, विश्व के अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इस मेले का आनंद लेते हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वेलकम इन इंडिया, एंड वॉट योर इंट्रोडक्शन, गुड नेम प्लीज? आई एम जैन, I'm from the UK. Yes. What you feel? What your excitement? This festival, this fair, and camels. It's very exciting to see, and so it's nice to see people enjoying themselves and competing, and so many cattle all together. It's very nice and interesting thing to see. You see camel first time in India this time? No, I saw it in Pushkar many years before. Pushkar. Yes, Pushkar. But this is nicer, more authentic, I think. What you like in the camel dance? And your walk, camels walk. I like to see the decorations. Decoration. And on the body, also like to see the decoration. Fur cutting, hair cutting. Yes, with hair cutting. It's very good. Yes, yeah. A great skill. I like Rajasthani culture very much, but because there's so many different things like the cattle fair, some things like the fort, the people. Everything's very colourful. Everything colourful. Colourful and beautiful. It's a colourful Rajasthan. Yeah. और ये देखिए, अब एक और प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है, जो कि मादा ऊँट की प्रतियोगिता है, और ऊँटनी की, जिसे हम कहते हैं ऊँटनी की प्रतियोगिता, जिसमें और जिसे सांड ऊँट भी कहा जाता है। ऊँटों की इस खूबसूरत प्रतियोगिता जो अब शुरू हो रही है वो है ऊँटों की चाल की प्रतियोगिता। आइए इन खूबसूरत ऊँटों की शानदार रैप वॉक चाल का आनंद लेते हैं और इस प्रतियोगिता में कौन विनर बनता है वो भी देखते हैं। और ये देखिए किस खूबसूरती के साथ तीन ऊँट इस रिंग मैदान में दौड़कर अपना शानदार प्रदर्शन दे रहे हैं कि वो कितना कंट्रोल में हैं, अपने मालिक के कितना इशारे को समझते हैं, कितनी खूबसूरती से वो चलते हैं। ये देखिए, ये बड़ा ही मनमोहक अंदाज में ये ऊँटों की रैंप वॉक है। जैसे मॉडल रैंप पे चलती है वैसे ये ऊँट इस रिंग की रैंप पे अपनी शानदार रैंप वॉक दिखा रहे हैं। खूबसूरत ऊँटों की चाल और दौड़ का नज़ारा। ये देखिए खूबसूरत, फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ऊँट, फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ ऊँट। रिंग के अंदर चला हुआ नहीं है, लंबी रेस में चला हुआ है। अच्छा, इसलिए नहीं, एकदम बढ़िया शानदार चलता हुआ, ऐसा लग रहा है यही आएगा नंबर वन। जैसे लंबा चलता है बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, रिंग के अंदर चला, गोल गोल चलने की वजह से। हाँ, प्रतियोगिता में तृतीय स्थान लिया है इमरान ने। और इमरान के बीकानेर से आए हुए इस ऊँट को तृतीय पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है। इमरान जो कि बीकानेर से है। और पुष्कर के नानू सिंह जी को द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है, सेकंड इस प्रतियोगिता में विनर। देखो जयकारे पहले से शुरू हो गए हैं क्योंकि अब तो तय हो गया कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। और ये इनाम पहनाया जा रहा है, फूला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है किशन सिंह जी के ऊँट को जो कि प्रथम आया है इस चाल में। और वेल ट्रेंड हर चाल में बैठा है, ऊँट को कितना कंट्रोल करता है और कितनी कैसी चाल चलाता है। आपने देखा होगा कि जो सवार ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर हमने एक पानी का मटका रखा है, उसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं आई है। इसका मतलब जो ऊँट का बैलेंस है, चलने की चाल एक जैसी है। ऐसे नहीं कि कभी ट्रॉट चल रहा है कभी स्पीड में चल रहा है, वो नहीं है, बिल्कुल एक साथ चाल चली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको, जिनका ऊँट प्रथम आ चुका है। क्या कहेंगे इस जीत के बाद में? बहुत खुशी है साहब, विश्वास हो गया, मतलब मोड़ आप आशी। आज क्या कहेंगे किशन जी, जीत लिए हैं आपने मैदान? बड़ी साहब बिल्कुल मेहरबानी से, और ये पब्लिक का सहयोग रहा है। हाँ। तो उसके हिसाब से जजों का और सबका पब्लिक के हिसाब से ऊँट ने इनाम। पब्लिक तो आपको बहुत प्यार करती है, बस इसी का पब्लिक के लिए आते हैं और आते हैं साहब। और ऊँटों का शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी ऊँट एक बार पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों आयोजकों के साथ ये सभी ऊँट विनर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये देखिए ऊँट जीत की दौड़ लगा रहा है। और ये देखिए जोरदार रेस लगा रहा है ऊँट। ये देखिए जोरदार रेस ऊँट की लग रही है। ये देखिए दौड़। ये देखिए रेस वाला ऊँट है ये एकदम। इस ऊँट की समझदारी का एक नमूना ये देखिए। सिर्फ इशारा, न कोई हाथ में बैंत, न कुछ और मारने पीटने का कोई ऐसा चीज़ नहीं है, सिर्फ इशारा है। थोड़ा पीछे आ जाओ। कोई प्रकार की, ये देखिए, बैंत नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे ऊँट को धमकाना पड़े। खाली हो जाए एक बार, जोरदार जबरदस्त। पाकिस्तान का जहाज कहे जाने वाला और हम सब का चहेता ऊंट, जो कि राजस्थान में विशेष चाव के साथ यहाँ पर पाला जाता है, और उसकी एक शानदार प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हुई। ऊंट किस मस्ती से चलता है और किस तरह से एक मॉडल जैसे रैंप पे वॉक करती है, वैसे ही एक रैंप, एक रिंग यहाँ पर बना हुआ, और उस रैंप पे ऊँटों ने अपनी शानदार मॉडलिंग का, चाल का एक प्रदर्शन किया। एक शानदार प्रतियोगिता यहाँ पर राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा यहाँ पर आयोजित हुई। मैं नागेश कुमार कौशिक नागौर से, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान।